मोदी सरकार ने बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं चाची, दिए हैं। जिसको पेट में बालक होने वाला है उसको मोदी सरकार पैसा देता है, महीना में अनाज देता है, बच्चा को पढ़ाई के लिए कपड़ा देता है। सब जुमलेबाजी। आपके घर में कभी मिला है किसी को? हाँ मिला है, मिलता है, और थाली बर्तन मिलता था। हाँ सरकार, मोदी सरकार जो मोदी सरकार को नहीं बोलेगा उसका रोइयां जवाब देगा, पेट नहीं जवाब देगा, मुंह नहीं जवाब देगा उसका रोइयां। भगवान रोइया जवाब देना मत देना, वही आशीर्वाद देगा कि मोदी सरकार फिर सरकार बनेगा। तब आंसू गिरता था कि सरकार ने देखिए बाहर के लड़का को ट्रेन दे रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जब कोरोना में अलग अलग शहर में जो लोग फंस गए थे उसको ट्रेन गाड़ी से बस भरत हाँ देते थे सरकार ने। यहाँ पे कुछ चाची लोग नजर आ रही हैं, आइए हम बात करते हैं। चाची क्या नाम है आपका? मेरा नीलम देवी नाम है। अच्छा हाँ। चाची यहाँ पे अभी ना कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे अभी मोदी सरकार है, पता है आपको कौन है मोदी? मोदी सरकार ने बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं चाची, दिए हैं। जिसको पेट में बालक होने वाला है उसको मोदी सरकार पैसा देता है, महीना में अनाज देता है, बच्चा को पढ़ाई के लिए कपड़ा देता है। सब जुमलेबाजी। आपके घर में कभी मिला है किसी को? हाँ मिला है, मिलता है, हाँ मिलता। कितना पैसा मिला? कितना मिलता है? 800-600 मिलता है, 700 मिलते नहीं, जब जब आता है पढ़ाई के दिन में तब तब देते हैं हमको। मोदी सरकार ने भी वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ वृद्धा पेंशन आता है? कितना आता है? 600-400 रुपया आता है। 400 रुपया महीने? महीने। कब से आ रहा है? आज 15-20 साल से आ रहा है। इतना दिन से तो मोदी सरकारों नहीं आया? नहीं आया था, पहले तो आ रहा था, मगर जो पोस्ट ऑफिस में ब्लॉक में जब हुआ ना तब हम पास किया। 88 से हमको मिल रहा है, हम 88 से मौसमात हुए हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए चाची, मोदी सरकार में जब ये कोरोना आया था सब बीमार हुआ था, तो अनाज उनाज मिला था? हाँ अनाज बर्तन, जो बंदा लोग कमा के दिल्ली से जाते थे तो उसको बर्तन मिलता था, दवाई मिलता था, पैसा मिलता था 1200 को महीना का, और थाली बर्तन मिलता था। हाँ सरकार, मोदी सरकार जो मोदी सरकार को नहीं बोलेगा उसका रोइयां जवाब देगा, पेट नहीं जवाब देगा, मुँह नहीं जवाब देगा उसका रोइयां। भगवान जवाब देना मत देना, वही आशीर्वाद देगा कि मोदी सरकार फिर सरकार बनेगा। अच्छा। हाँ मोदी सरकार फिर सरकार। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ है। वोट डालती हैं? वोट हाँ डालते हैं। चाची जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं? हाँ सही बोल रही हैं, मोदी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया है? अरे हर कुछ समझ लो कि गैस चूल्हा दिया है, पैसा भी दिया है, राशन भी दिया है, शौचालय बना है। हाँ शौचालय बना दिया है, और घर घर में। आपके यहाँ शौचालय बना? हाँ हमारे यहाँ बना है शौचालय, उन्होंने पैसा दिया हमने बनवाया है। आवाज की बुलंदी देख के लग रहा है बना है। बिजली दिया है, शौचालय दिया है, सिलेंडर दिया है, गैस चूल्हा दिया है, आप क्या देंगे? दूसरा सरकार बदलने वाला वो अंधा हो जाएगा, नहीं दूसरा बदलना चाहिए यही सरकार। तो लोग अंधा हो जाएगा इसे आप बोल रही हैं? जो सरकार यहाँ से जाते थे बंदा कमा करके तो उसको कपड़ा लता, गाड़ी स्पेशल गाड़ी जाती थी, ट्रेन। तब आंसू गिरता था कि सरकार ने देखिए बाहर के लड़का को ट्रेन दे रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं जब कोरोना में अलग अलग शहर में जो लोग फंस गए थे उसको ट्रेन गाड़ी से बस भरत हाँ देते थे सरकार ने। अच्छा, उसको बताइए एक कोरोना का सुइया जो आया था वैक्सीन वाला वो लगवाए? हाँ लगवा लिए हैं। हाँ एक ठो 3 महीना में, अभी एक ठो नहीं लगा है, एक ठो लगाए हैं। कहाँ कितना पैसा दिए? वैक्सीन लगाने में पैसा नहीं दिए थे, जो फ्री में लगवा दिया मोदी सरकार। हाँ फ्री में दिया। चाची बहुत बड़ी फैन है, मोदी जी पसंद है क्या? हाँ ठीक है मोदी सरकार। हाँ फिर वही बैठे। राहुल गांधी का नाम सुने हैं? हाँ राहुल। राहुल गांधी कौन है? इंदिरा गांधी का। कौन है इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी का बेटा है कि के है, पोता है। अच्छा, बढ़िया लगता है? वो तो हमारे सरकार इंदिरा गांधी था उस समय जो गोली मारा। आप कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना देंगे? नहीं नहीं नहीं, जो बना है वही मोदी सरकार बने। आप जानती हैं राहुल गांधी को? नहीं हम राहुल गांधी को नहीं, हम मोदी को जानते हैं, योगी को जानते हैं, बाकी उसको नहीं जानते हैं। राहुल गांधी का नाम नहीं सुनी? नहीं नाम सुना है पर को सुने थे, इंदिरा गांधी को सुने थे तो, और उसके बाद यही
नीतीश। अच्छा एक बात बताइए, चलिए नीतीश कुमार की बात करेंगे, बहुत चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब एक बात बताइए, हम सुने हैं यहाँ पे कि जो मोदी जी हैं बड़ा हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़वाते हैं। नहीं नहीं, वो सब नहीं करते हैं, वो अपने बोलते हैं, मगर सरकार ने ऐसे काम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो वो तो अपना लड़ाई कर रहा है कि हमारे नाम लगाता है, वही मुसलमान तो बोलता है कि हमारे नाम लगाता है, सरकार नहीं उसका नाम। एक बात धीरे से पूछते हैं, यहाँ मुसलमान लोग सब ठीक है कि ना? यहाँ ठीक ही है, ठीक है। जैसे आप हिंदू भगवान को मानते हैं उसी तरह तो सबको मानता है, भगवान को चर्चा भी होता है भोलेनाथ को। हिंदू लोग सुनिए ना, हिंदू लोग के लड़की लोग के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाया जा रहा है, वो ठीक है? नहीं नहीं, वो सब गलत, सब वो गलत है। क्यों गलत है? हम लोग नहीं सुने हैं, यह सब नहीं सुने हैं तो हम कैसे बताएंगे कि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी चाची की बातें सुनी, चाची ने किस तरीके से, ये चाची बिल्कुल ना समझ हैं, इन्हें कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप हमें कहीं कहीं भीड़ में जाके हम बोल दें कि चलो ठीक है गोदी मीडिया आपने सुना, अब तो हमने अंधभक्त भी सुना। चलिए माना कि सुमन पांडे गोदी मीडिया, चलिए माना कि सुमन पांडे मोदी की चमची, माना कि सुमन पांडे मोदी भक्त, ये क्या है? इन्हें तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इतना ही पता है कि इनको गैस चूल्हा मिला है, इनको सिर्फ इतना ही पता है कि इनको सिलेंडर मिला है, इनको इतना ही बता रहे हैं चाची हम, इतना ही पता है इनको कि शौचालय मिला है, इनका कच्चा घर पक्का हुआ है, इनको पता है कि इनको फ्री में वैक्सीनेशन लगवाए गए हैं, इनको इतना पता है कि इनके घर का परिवार का सदस्य जो कोरोना में फंस गया था सरकार की मदद से वो घर वापस लौट आया। तो ये सारी चीज़ें चाची को पता है, जो मुझे देख कर इन्होंने रोका और उन्होंने बोला कि वो कुछ बताना चाहती हैं। तो ये सारी चीजें अब इनको क्या कहेंगे आप, अंधभक्त? इनको क्या कहेंगे आप, मोदी के चमचे? जरा सोच कर विचार कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।